दतिया तहसीलदार का होगा स्थानांतरण। महिला ने बच्ची समेत लगाई फांसी, मामला दोसड़ा थाने क्षेत्र का। प्रियंका पत्नी बलराम पाल ने अपनी नन्ही बच्ची समेत शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात लगाई फांसी। पुलिस ने अभी कारणों का नहीं किया खुलासा, सबको जब्त कर पीएम के लिए भेजा दतिया। ऐसा क्या कारण रहा कि मर गई मां की ममता और उठाया बड़ा कदम। खबरों के लिए देखते रहें एसआरआई बुलेटिन। मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी, एक ही परिवार के 12 लोग घायल। श्रमिकों के भत्ते में शासन ने 200 रुपए की बढ़ोतरी। स्वरोजगार योजना के आवेदन की आमंत्रित, जनता उठाए लाभ। भांडर और उन्नाव के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर भानु ठाकुर ने सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। भांडर न्यायालय में न्यायाधीश मुकेश चौहान ने कट्टे समेत पकड़े गए बदमाश को सुनाई 1 साल की सजा। सेवड़ा में गिरे ओले, किसान की बड़ी चिंता, फसलों को नुकसान। सरसों से भरे ट्रक को बदमाशों ने लूटा, मामला डिरोली पार थाना क्षेत्र का है। 15 अप्रैल तक रहेगी दतिया जिले में धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर रहेगी साइबर सेल पुलिस की कड़ी नजर। सवा 2 करोड़ की लागत से देगुआ में बनेगा बिजली पावर सब स्टेशन। गेहूं खरीद केंद्र पर शुरू नहीं हो सकी खरीदी, किसान परेशान।